बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। निज़ामी हर्बल्स की तरफ से हकीम नईम हुसैन निज़ामी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए आसान नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जो एक बहुत ही अहम मसला है नौजवानों को, जो मसला बहुत ज़्यादा वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है, वो है मुज़नी। मुज़नी के आदि बहुत ज़्यादा नौजवान हो चुके हैं गलत वीडियो की वजह से, गलत जिनसे जानवर चीज़ें देखने से। और काफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया मुझसे कि हकीम साहब, हमने मुज़नी बहुत ज़्यादा की है, अब मनी की पैदाइश बहुत ज़्यादा कम है और पतली है और साथ ही खून की अमेजिश होती है। इसके अलावा हमारी कमर में दर्द, पट्ठों में खिंचाव, जोड़ में दर्द रहता है, दिमाग भी कमज़ोर हो चुका है, नज़र भी कमज़ोर हो चुकी है। इसके अलावा नफ्स में भी बेताकती है, नफ्स में वो अकड़ाव नहीं, वो इंतशार नहीं रहा, पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी है, टाइम ख़त्म हो गई है। यानी जब हम मुज़दनी करते हैं उस वक्त आपको ये पता नहीं होता कि आगे जाकर इसके क्या नुकसान आते हैं, कि हाथ की रगड़ से हम अपने नफ्स का क्या नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा मुज़दनी करने से हमारे जिस्म और हमारी मर्दाना तक पर क्या असर पड़ेगा। मुज़दनी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह अमल है। लगातार ज़्यादा अरसा मुज़दनी करने से, या एक ही दिन में 3 से 4 बार या 5 बार आप मुज़दनी करते रहे हैं, तो इससे ये होता है कि मनी की पैदाइश कम हो जाती है, या अगर मनी बनती भी है तो वो नाकस बनती है और साथ ही हल्की सी खून की अमेजिश शामिल होती है। और जब आप अमल बार बार ये करते हैं तो इससे ये होता है कि जब 3 से 4 बार अमल ये करते हैं तो आखिर में ये होता है कि मनी खारिज ही नहीं होती। इंजाल जब होता है आपको तो मवाद होता ही नहीं जो खारिज हो, इतनी ज़्यादा मनी की कमी हो जाती है। साथ ही नफ्स भी कमज़ोर, मर्दाना कमज़ोरी भी हो गई, जरियान की शिकायत शुरू हो गई, लेसदार मनी अगर कुछ पैदा भी होती है तो वो बहुत ही पतली और नाकस मनी होती है, ना उनमें स्पर्म होते हैं और ना ही वो इस काबिल होती है कि वो अगर शादी के बाद मर्द अगर बीवी हम बिस्तर हों तो उससे सीमन ही नहीं होते, स्पर्म ही नहीं होते कि वो हमल हो जाए और बच्चा साहिब औलाद हो। यानी आप इतना, ये इतना बुरा अमल है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द। आज मैं आपको ऐसा एक नुस्खा बताऊँगा जो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है इस मसले के, मनी की पैदाइश भी कम है, मर्दाना कमज़ोरी है, साथ जरियान की शिकायत शुरू हो गई है और साथ ही मनी इतनी पतली और नाकस हो चुकी है कि साथ खून ब्लड की अमेजिश होती है, हल्की फुल्का ब्लड भी साथ आने लगता है कि पीछे मनी बन ही नहीं रही, हमारा जिस्म बना ही नहीं रहा। मनी जो खुराक हम खाते हैं वो ज़ाया जाती है, हमारा जिस्म कमज़ोर हो चुका है। उनके लिए ये नुस्खा अमृत है, लाजमी इस्तेमाल करें, बहुत जल्द फ़ायदा होगा, हफ्ते में ही आपका मसला ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नुस्खे में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, आसानी से बनाएं, आसानी से इस्तेमाल करें, घर बैठे अपना इलाज खुद करें, ना किसी दवाई मंगवाने की ज़रूरत है, ना ही कोई ज़्यादा लंबा नुस्खा है, ना ही ज़्यादा महंगा है, आसानी से बना सकते हैं आप। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, एक आपने लेना है मुसली सफ़ैद 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, असगंध नगोरी 20 ग्राम। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह ब्रिक पाउडर कर लें, 1 गिलास दूध में सुबह 1 चम्मच इन चीज़ों का डालकर उबालें। अच्छी तरह जब उबाल लें तो आग से उतार कर रख लें, जब ठंडा हो जाए तो पी लें। खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद करना है आपने ये अमल, और रात को भी आपने इसी तरह दूध में मिक्स करके उबाल कर इस्तेमाल करना है। 1 हफ्ते में आपका मसला सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, पट्ठों का खिंचाओ, अकड़ाओ, जोड़ों में दर्द और साथ ही कमज़ोरी का मसला, जरियान की शिकायत, मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, और ये मनी की पैदाइश भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह स्पर्म भी पैदा होंगे, मवाद गाढ़ा भी होगा। आप लाजमी तैयार करें, बनाएं, जो मेरे दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं वो रब्ता करें, हम मैं उनकी रहनुमाई करूँगा इंशाल्लाह, अच्छा मशवरा दूँगा जो आप खुद अपने घर में नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकें। अब मैं आपसे जा चाहता हूँ।